नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो। पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस के कहर से न केवल भारत को बचाना चाहता है बल्कि इसके प्रकोप से पूरी दुनिया को बचाने में जुटा है। महामारी और संक्रमण की लाखों चेतावनियों के बीच शाहीनबाग की महिलाएं देश में महामारी फैलाने के उद्देश्य से अब भी भीड़ जुटाए हुए हैं। कोरोना वायरस से देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश जनता कर्फ्यू का पालन कर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक हर तरफ जनता कर्फ्यू के पूरा समर्थन मिल रहा है। इस सब के बावजूद शाहीनबाग में महिलाएं अब भी बैठी हैं। कोरोना वायरस के फैलने का सबसे बड़ा कारण भीड़ होती है, इसलिए केंद्र सरकार ने सबसे भीड़ वाली जगहों पर जाने से मना किया है। लेकिन ये सभी बातें शाहीनबाग के लोगों को समझ में नहीं आती। अब तो देश के आम नागरिक कह रहे हैं कि शाहीनबाग देश में महामारी फैलाने की साजिश क्यों कर रहा है। शाहीनबाग में महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में बैठी हैं। CA से किसी भी भारतीय की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, जबकि NRC अब तक आई ही भी नहीं है। लेकिन ये मामूली सी बात शाहीनबाग में बैठी महिलाओं की समझ में नहीं आती। खतरे की बात ये है कि इनके धरना देने से वहाँ के आम नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है। लोग कह रहे हैं कि नागरिकता बचाने के नाम पर शाहीनबाग की महिलाएं महामारी और कोरोना का संक्रमण फैलाना चाहती है, जिससे देश के सामान्य लोगों को नुकसान हो। आपको बता दें कि ये वही शाहीनबाग है जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी को जान से मारने और असम को भारत से काटने के नारे लगे थे। कोरोना वायरस के चलते रविवार को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं दिल्ली के शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगभग 3 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है कि सड़क से हटे या नहीं। अब शाहीनबाग में 2 गुट बन गए हैं, लेकिन इस सब के बीच धरना जारी है। आपको बता दें कि शाहीनबाग एक गुट का कहना है कि वो कोरोना वायरस से लड़ने में PM मोदी की मुहिम का समर्थन करेंगे, तो वहीं दूसरे गुट का कहना है कि कुछ भी हो जाए हम सड़क पर ही डटे रहेंगे। शनिवार को इसी में दोनों गुटों को समझा बुझाकर मामला शांत कर लिया गया। फिलहाल शाहीनबाग में प्रदर्शन जारी है। भारत में अब तक कोरोना के 335 मरीज सामने आ चुके हैं। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में 92 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की खबर ये है कि इस वायरस की चपेट में आने वाले 23 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, केरला और दिल्ली हैं। आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में 62, केरल में 38 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जनता कर्फ्यू का असर दिखने को मिल रहा है। आगरा, सीतापुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ और बनारस में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर दिख रहा है। लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और कोई बहुत आवश्यक काम करने पर ही बाहर निकल रहे हैं। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब कर दें और अंत में जाते जाते बेल का आइकन भी दबाना ना भूलिए। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।